आप तो बेटा हेलो बिल्कुल साफ दोस्तों, जय हैं। हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको मैं फ्रेंच मेस्टिफ कलेक्शन, जो फ्रेंच मेस्टिफ के डॉग्स मेरे पास है। अगर आप फ्रेंच मेस्टिफ रखते हैं, पहली बात रोज सुबह जो रिंकल्स होता है, इनकी रिंकल्स की सफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भाई है, ये सफाई कर रिंकल्स का, रिंकल्स में रोज कपड़ा मारना है ताकि रिंकल, क्योंकि अगर रिंकल्स जो गंदा रहेगा तो उसमें गंदगी बह जाएगा, उसमें बीमारी होने का, फिर उसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। तो रिंकल्स जो है उसको आपको प्रॉपरली रोज को रोज साफ करना है। तो चलते हैं, ये देखिए भाई साफ करें, देखिए ऐसा रोज एक बार आपको कपड़ा मारना है ताकि जितने भी डस्ट वगैरह निकल जाए। और आप कीड़े, अगर आप फ्रेंच मेस्टिफ आप ले रहे हो तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, या फिर कोई भी आप मेस्टिफ कैटेगरी ले रहे हो, या आप पग क्यों ले रहे हो, पग में भी दोस्तों रिंकल्स, उनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉग रखने से पहले दोस्तों केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिखाता हूँ आपको मैं इनकी खूबसूरती। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी लैला, ये वो छोटी सी बच्ची थी दोस्तों जो मैंने रखा था, ये देखिए टाइसन। हाँ सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये इनको मैं खोल के रखता हूँ, ये देखिए, ताकि हम एक पूरा फ्रीडम लाइफ हो, घूमे फिरे आराम से, इसलिए ऊपर छत में घूमो, एक्सरसाइज इनकी होती रहती है पूरी पूरी। देखो सो ये डोना है, ये लैला है, आप फेस दे सकते हैं अभी तो। फिर भी मैं एक रफ वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर पोज या स्टैक लगा के बनाऊँ तो देखने लायक ही डॉग बनते हैं। अभी गिल्ले की, अभी मैं पूरा वॉश किया यहाँ पे, जिसकी वजह से गिल्ले, लैला गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, ये पूरा वॉश किया जिसके वजह गिल्ले। बट चलो फेस देखिए, बोन स्ट्रक्चर देखिए सबका, डोना टाइसन लैला, इधर आ जाओ, वहां कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए तुम्हें, इधर आ जाओ। इसका फेस बड़ा सुंदर है लैला का, इसका थोड़ा सा पोज है ना, ये देखो इसका फेस बहुत सुंदर बनेगी, अभी बच्ची है पर जैसे ही मतलब बनेगी ना यार, अल्टीमेट बहुत प्यारी बनेगी। दिखाता हूँ मैं, ये लैला का फेस, लैला बहुत बहुत ही सुंदर, अभी बैठी हाइट हटाई कर ली, ये देखो, ये देखो अभी ने पूछ दिया, बहुत ही सुंदर फेस बन लैला डोना को, भाई डोना को तो लंबाई ग्रोथ वगैरह बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई कर रहे हो मेस्टिफ रखने का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका रनिंग, आप जितना ज़्यादा रनिंग एक्सरसाइज खुला रखोगे दोस्तों, डॉग उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बनेगा। जितना अगर इनको आप बंद करके रखो दोस्तों, फ्रेंड जो आपको डॉग है उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, कॉम्पैक्ट साइज का छोटा रह जाएगा। सो डॉग को खुला रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुला रखो, मैक्सिमम घूमने फिरने दो ताकि उनका ग्रोथ में कमी कुछ ना आए, और आप उनको बंद रखोगे तो डेफिनेट बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है उनका ग्रोथ में। तो ग्रोथ उसका मेंटेन रखना दोस्तों, उनको आप बंद नहीं रखना, तो ग्रोथ उसका दोस्तों आपको मेंटेन रखना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आपको। खाने में डाइट, जैसे मेस्टिफ कैटेगरी है तो डाइट बहुत प्रॉपर देना, ठीक है ना, इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।